दोस्तों, हर खिलाड़ी का यही सपना होता है कि वो अपने देश की टीम के लिए क्रिकेट खेले, लेकिन पिछले 5-6 सालों में इंडियन टीम में 3 ऐसे खिलाड़ी चुने गए हैं जो इंडियन टीम में खेलने के लायक नहीं थे, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में तो काफी अच्छा था, लेकिन जब उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया गया तो वो खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए थे। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 3 खिलाड़ी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं विजय शंकर। आपने इन्हें 2019 के वर्ल्ड कप में खेलते देखा होगा, लेकिन इनका करियर बहुत छोटा बनकर रह गया है। विजय शंकर शायद ही अब टीम इंडिया में वापसी करते नजर आए। विजय शंकर ने 2018 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था और उन्होंने 2019 में अपना लास्ट मैच खेला। विजय शंकर ने इंडियन टीम के लिए 12 वनडे मैचों में 223 रन और 4 विकेट लिए थे। वहीं T20 में 9 मैचों में 101 रन और 5 विकेट अपने नाम किए थे। इसके बाद अब उन्हें टीम इंडिया सेलेक्ट भी नहीं करती और न ही उनके नाम को लेकर कोई चर्चा होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं कृष्णप्पा गौतम। कृष्णप्पा गौतम ने आईपीएल में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें अपनी टीम में 10 करोड़ रुपए में शामिल किया था, लेकिन जब उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया गया तो वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था और वो इनका आखिरी मैच बन गया था और इसके बाद इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। अब उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं रफ्तार के बादशाह उमरान मलिक। अब बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि इनका नाम इस लिस्ट में क्यों है, अभी तो इनका करियर शुरू हुआ है, लेकिन उमरान मलिक ने पिछले 2 सालों से बहुत नाम कमाया है। उमरान मलिक ने आईपीएल में अपनी तेज गेंदबाजी से सबका दिल जीता था। इसके बाद सभी का यही कहना था कि उमरान मलिक को इंडियन टीम में मौका दीजिए, उन्हें टीम में खिलाना चाहिए, वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। इसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम में चुना गया, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्हें आयरलैंड के खिलाफ मौका मिला और फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्हें टीम में खिलाया गया, लेकिन उमरान मलिक से जिस चीज की उम्मीद थी वो वैसा नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्हें वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दौरे से ड्रॉप कर दिया गया। उमरान मलिक ने इंडियन टीम की तरफ से 3 T20 मैच खेले हैं जिसमें वो 2 ही विकेट ले पाए हैं और वो काफी महंगे भी साबित हुए थे। उमरान मलिक ने अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ और लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। गाइस, आपको क्या लगता है, उमरान मलिक को और मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना।